हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने गमछे और छात्र जनशक्ति परिषद के झंडे के रंग को बदल दिया। झंडा को तेज प्रताप ने आधा पीला और आधा हरा रंग दिया है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव बताते हैं कि पीला रंग कृष्ण से लिया गया है। तेज प्रताप जी कृष्ण के उपासक हैं और इसलिए पीला रंग का इस्तेमाल झंडा में सबसे ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और बीच में तेज प्रताप और उनकी बांसुरी है। अगली बड़ी खबर, राजधानी पटना में मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। पटना के दीघा घाट सहित विशेष तौर पर प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए कृत्रिम तालाब में मूर्तियों का विसर्जन हो रहा। पटना जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के बाद विजयदशमी को माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन गंगा के घाटों पर किया जा रहा। वन एवं पर्यावरण विभाग के सख्त निर्देश के बाद इस बार नदियों के बजाय अस्थायी तालाबों में माता की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा। अगली बड़ी खबर, बिहार में 3 चरणों का पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और इन 3 चरणों में मतगणना को लेकर आयोग के पास कई तरह की शिकायतें आई। आयोग ने ऐसे विभिन्न मामलों को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना के मामलों में गड़बड़ी करने के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस दर्ज किया जाएगा। नियमों के मुताबिक किसी सीट पर मतगणना शुरू करने की घोषणा लाउड स्पीकर से की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है, संबंधित सीट से जुड़े उम्मीदवार मतगणना के दौरान उपस्थित रहे, लेकिन आयोग को शिकायत मिली है कि मतगणना केंद्र पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण सहित 19 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण से तापमान में वृद्धि की संभावना है, लेकिन 16 अक्टूबर से राज्य के 38 जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बारिश के बाद अनुमान है कि मौसम में थोड़ी ठंड जरूर आएगी। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूंछ में जारी एनकाउंटर के बीच 2 और जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन युगम्बर सिंह ने दम तोड़ दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बीते दिन 1 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO और 1 जवान शहीद हो गया था। यह एनकाउंटर जम्मू कश्मीर और पूंछ नेशनल हाईवे के करीब भिम्बर गली इलाके में चल रहा है, जो मेढर सब डिवीजन में आता है और यहाँ भाटा दूरिया गाँव भी है, और इसी गाँव में सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में ड्यूटी से नतारत 43 अफसरों का DM ने वेतन बंद कर दिया है। साथ ही एक शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है। इसमें कहा गया कि जवाब नहीं देने तक वेतन बंद रहेगा। दरअसल मोतिहारी में दुर्गा पूजा को लेकर क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी लगाई गई थी और सभी को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 13 तारीख को सभी पदाधिकारी अनधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से गायब थे। DM शीर्षत कपिल अशोक ने दुर्गा पूजा को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर, दशहरा पर बोले पप्पू यादव, रावण वध से पहले बिहार के दुशासन नेताओं का वध होना चाहिए। राजद पर इस अंदाज में कसा तंज, पप्पू यादव ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि राजद वाले एक तरफ तो कांग्रेस को लात मारते हैं और दूसरी ओर बिहार में सरकार भी बनाना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है, ये लोग एक सीट के चलते सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। अगली बड़ी खबर, दीपावली एवं छठ में बिहार आने वाले लोगों की होगी कोविड जांच। छपरा में होगा सभी का टेस्ट। संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। छठ और दीपावली के दौरान बाहर के राज्यों से बिहार आने वाले लोगों पर खास नजर रहेगी। छपरा में पर्व में बाहर घर से निकलने वालों को कोविड जांच की जाएगी। साथ ही साथ नवरात्र की नवमी तिथि से ये जाँच शुरू कर दी गई है। प्रत्येक व्यक्तियों की कोविड की जाँच सुनिश्चित की जा रही है। अगली बड़ी खबर, सूचना आयोग के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया गया है। खुद के ऑफिस में कितने कर्मी कब से काम कर रहे, RTI से यह भी नहीं बता पा रहा है। आयोग बिहार के सूचना के अधिकार RTI एक्टिविस्टों की संस्था नागरिक अधिकार मंच ने राज्य सूचना आयोग पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है। आयोग के कामकाज में पारदर्शिता नहीं होने के आरोप को लेकर RTI एक्टिविस्टों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बड़ी खबर, पटना में शुक्रवार और शनिवार को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी टीका केंद्रों पर 2 दिनों की छुट्टी की गई है। अब सामान्य तरह से वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। 2 दिनों तक टीका एक्सप्रेस के साथ अन्य सेशन साइट पर कर्मियों को छुट्टी दी गई है। सभी सेंटर्स फिर से खुलेंगे और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर पटना में 200 से अधिक सेंटर हैं। इसमें टीका एक्सप्रेस के साथ 24x7 वाले सेंटर भी शामिल हैं।
अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह भवन अब सील मुक्त होगा, इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम प्रणब कुमार ने एसएसपी जयंतकांत को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा। कहा गया कि सीबीआई द्वारा पूर्व में महिला थानेदार को भी सील मुक्त करने का निर्देश दिया जा चुका है। सीबीआई ने महिला थानेदार को जो पत्र भेजा था उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भवन को सील करके रखना अब जांच का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे सील मुक्त कर दिया जाए, लेकिन विभागीय कारणों से यहाँ से सील नहीं हटा गया था। अगली बड़ी खबर, बिहार में तीन चरणों का पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। इन तीन चरणों में मतगणना को लेकर आयोग के पास कई तरह की शिकायतें आई है। आयोग ने ऐसे विभिन्न मामलों को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र जारी किया। पत्र में सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि मतगणना के मामलों में गड़बड़ी करने के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस दर्ज किया जाए। नियमों के मुताबिक किसी सीट पर मतगणना शुरू करने की घोषणा लाउड स्पीकर से की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि संबंधित सीट से जुड़े उम्मीदवार मतगणना के दौरान उपस्थित रहें, लेकिन आयोग को शिकायत मिली है कि मतगणना केंद्र पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, भारत को छठवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी की सदस्यता के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2022 में शुरू होगा। भारत का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ और इसमें भारत ने भारी बहुमत हासिल किया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करते रहने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव में गरुड़ ऐप से काम नहीं करने के कारण 45 बीएलओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामला जिले के अनुमंडल क्षेत्र के डेहरी डालमिया नगर परिषद